विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी DST इंस्पायर फेलोशिप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की छात्र वनस्पति शास्त्र से कुमारी आकांक्षा सिंह और गणित से कुमारी अंजलि पांडे को स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में एकमात्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है जहाँ से छात्राओं को उस सूची में स्थान मिला है। आपको बता दें कि कुमारी अंजलि पांडे गणित विभाग के आचार्य सुधीर कुमार श्रीवास्तव के साथ शोधरत हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों की सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि गणित विभाग की कुमारी अंजलि पांडे शोध का विषय एस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉलेप्स एंड द स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी, गुरुवत्तीय निपात और अंतरिक्ष समय में एकलता है। इस शोध का प्रयास गुरुतत्व निपात से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना एवं कुछ अनसुलझी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स समय में अंतरिक्ष की संरचना का जिम्मेदार माने जाने वाला मूलभूत तंत्र है। अंतरिक्ष में मौजूद तारे और उनमें समय के साथ होने वाले परिवर्तन आज भी विज्ञान जगत के लिए अबूझ पहेली हैं। न्यूटोनियन भौतिकी एवं आधुनिक आकर्षण सिद्धांत से वैज्ञानिक तारों के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। इस अनुमोदित प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी तारे के आंतरिक भौतिक परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंजलि पांडे ने कहा। मेरा नाम अंजलि पांडे है और मैं प्रॉपर देवरिया जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन वही देवरिया में ही हुई है। क्लास 6 से 12 तक का मेरा जो पढ़ाई था, जो भी एजुकेशन था, वो वहाँ का एक सरकारी स्कूल था, कस्तूरबा राजकीय बालिका, वहाँ से मैंने अपना इंटर किया था। उसके बाद फर्दर मैंने इंटर के बाद मेरे परसेंटेज कुछ अच्छे आए तो टॉप 1% जो भी स्टूडेंट होते हैं यूपी बोर्ड के, उनको DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऑफर लेटर भेजती है और उसको अपने स्कॉलरशिप स्कीम में जगह देती है। तो उसके बाद इस स्कीम में नाम भी आ गया था क्योंकि मैं टॉप 1% में थी। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से कंटिन्यू किया। फिर 3 साल वो ग्रेजुएशन और फिर PG की पढ़ाई भी यहीं से हुई। उस दौरान ये इंस्पायर स्कीम की जो स्कॉलरशिप होती थी वो मुझे मिलती थी। उसका नॉर्म यही था कि टॉप 1% जो स्टूडेंट होते हैं क्लास यूपी बोर्ड में क्लास 12th के, टॉप 1% बच्चों को वो DST लेती है, अप टू 10,000 तक कोई लेती है और उनको वो फेलोशिप देती है 80,000 पर एनम। तो उसमें कुछ नॉर्म होते हैं कि आपको कुछ 3-5-6 सब्जेक्ट तकरीबन होते हैं साइंस के, चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो इस स्कीम का, इस डिपार्टमेंट का मोटो ही होता है कि साइंस को प्रमोट करें। तो कुछ 5-6 सब्जेक्ट होते हैं जो वो बनाती है कि साइंस के, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और एक्सेट्रा साइंस वाले सब्जेक्ट, वो आप पढ़िए और फर्दर अगर आप ये सब्जेक्ट आगे पढ़ती हैं और ग्रेजुएशन करती हैं तो आपको इस स्कीम में रखा जाएगा। और उसके बाद होता है कि पर ईयर आपको परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे कि पर ईयर आप 60% अगर लाती हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है और अगर उससे कम हो जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप वहीं ब्रेक हो जाती है। तो 3 साल ये था कि परसेंटेज मेंटेन करना होता है, तो मेरा कंटिन्यूटी में चलता रहा, परसेंटेज भी इस हिसाब से एवरेज था, मतलब मेंटेन था। उसके बाद ये स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन में हुई। अब PG के लिए अगर आपको 5 साल की स्कीम होती है तो 3 साल तो ग्रेजुएशन हो गया, फिर फर्दर अगर PG में भी हमें ये स्कॉलरशिप चाहिए होती है, इस स्कीम के अंदर रहना होता है, DST का अगर हिस्सा होना होता है हमें, DST की इस स्कीम का, तो हमें फिर PG करना होता है किसी मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट से, जो साइंस के फिर, मतलब जो मैथमेटिकल साइंस में आता है उन सारे सब्जेक्ट से। तो फिर मैंने अपना PG किया यही दीनदयाल उपाध्याय सेम यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिक्स में मैंने अपना PG कम्प्लीट किया। वहाँ भी मेरे वहाँ के परसेंटेज थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, वहाँ 70% मेंटेन करना होता है, तो मेरे तो काफ़ी अच्छे थे, 80+ थे, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ये स्कीम कंटिन्यू रही। उसके बाद ये स्कीम फर्दर अगर आप PG के बाद अगर आप रिसर्च लेवल पे जाते हैं तो आपको ये स्कीम मतलब प्रमोट हो जाती है, ये स्कॉलरशिप जो होती है वो फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्म उसमें भी यही होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल, आप जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए और गैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, जैसे PG से आपके रिसर्च में ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, 2 ईयर की वैलिडिटी होती है। और बाकी एकेडमिक मेरिट, आपके सुपरवाइजर की CV कितनी स्ट्रांग है, मतलब कई सारे नॉर्म होते हैं। तो फिर फर्दर मैंने सेम यूनिवर्सिटीज में रेट के थ्रू रिसर्च में एडमिशन लिया और इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो उसमें भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे नॉर्म होते हैं, रिसर्च प्रपोजल कितना स्ट्रांग है। तो हमारा एक रिसर्च प्रपोजल था कि हमें इस फील्ड में काम करना है, तो मैंने उस पर
वो चीज़ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू DST को भेजी, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया। फाइनल रिजल्ट में दो लेवल की स्क्रीनिंग होती है, लेवल फर्स्ट क्लियर हो गया था, लेवल टू रह गया था, तो फाइनली लेवल टू भी सेलेक्ट हो गया यहाँ से। इतना था। तो बड़ी चुनौती थी आपने आपके लिए, तो आपने इसको कैसे हैंडल किया? बस जो उसके नॉर्म थे उसको सेटिस्फाइड करना है अगर इस स्कीम में रहना है तो, बाकी अपने एजुकेशन को तो अच्छी क्वालिटी पे मेंटेन करना ही है। तो उसके जो नॉर्म थे वो एजुकेशन अच्छी चलती रही तो वो नॉर्म मेंटेन होते गए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। हाँ यही है कि साथ में बहुत सारे लोग थे जिनकी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ लोग इतनी हायर एजुकेशन में पढ़ने के इच्छुक नहीं होते हैं, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो परसेंटेज वगैरह डिक्रीज होती है, उसके बाद भी इस लेवल तक अगर आना है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल बहुत स्ट्रांग होता है और वो जो स्कॉलरशिप 1% मतलब अप टू 10,000 बच्चों को मिलती थी वो अब रिड्यूस होकर फेलोशिप में 1,000 पे आ जाती है। तो काफ़ी वहाँ सेलेक्शन नहीं, रिजेक्शन नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वही रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए। बस रिसर्च प्रपोजल अच्छा था और करेंट टॉपिक से रिलेटेड था जो आजकल चल रहा है, तो ब्लैक होल से रिलेटेड था। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अब इस फील्ड में तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है फॉर एजुकेशन में, जब मैं आई ग्रेजुएशन उसके बाद टीचर्स का सपोर्ट काफ़ी रहा है और पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट करते हैं उनके मोटिवेशन के थ्रू भी। PG मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था मतलब PG करने का, इन द सेंस कि 100% वो नहीं था कि PG करना नेसेसरी है, बट फादर ने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, तो मैंने PG कर लिया फिर। और उसके बाद PG तक जब इंसान पढ़ लेता है तो इंटरेस्ट भी आ जाता है उस चीज़ों में, पूरा फुल इंटरेस्ट हो जाता है। आगे का तो यही है कि रिसर्च करना है और उसी फील्ड में स्ट्रॉन्ग और भी अच्छा करना है, रिसर्च को आगे तक लेके जाना है, फिलहाल तो यही है। इसके अलावा भी आपकी कोई सोच है? सोच क्या है, जिस भी फील्ड में रहो उस फील्ड में बेस्ट देना चाहिए, और कोई भी फील्ड बहुत अच्छी होती है अगर इंसान उसमें अगर अपना बेस्ट दे दे। यहाँ तो पहुँचने में आप कई जगह कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ी होंगी? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी इंसान बहुत सारे लोड को बियर नहीं कर पाता है, कभी कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो बहुत हायर एजुकेशन में पढ़ना दिक्कत करता है। उन सबको मैनेज करते हुए और साइड में रखते हुए अगर इंसान स्टडी को प्राइमरी ले, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, तो हो जाता है। और यही है, आपको क्या करना है ये डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मुझे था कि हाँ, मुझे भी था और मेरे पेरेंट्स को भी था कि नहीं हायर एजुकेशन लेना है, हायर एजुकेशन में जाना है और पढ़ाई को ब्रेक नहीं करनी है, तो उसी कंटिन्यूटी में पढ़ाई का रूल तो यही है, UG PG फिर फर्दर रिसर्च था, तो मैंने वो भी किया, मतलब कर रही हूँ अभी। अन्य छात्रों के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे? कोई भी चीज़ मैं मतलब होपलेस नहीं होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको करना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी आपका पैशन है उसको फुली डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। आई थिंक